हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए नीट 2021 के मॉडर्न फिजिक्स के सॉल्यूशंस। फटाफट से हम देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल सा पेपर था। अगर किसी ने एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस की है, बिल्कुल बेसिक फिजिक्स की प्रैक्टिस भी की है, तो आपसे फटाफट फटाफट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ए और बी दो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ दे रखे हैं और करेक्ट आंसर हमें इनमें से पहचानना है। पहला स्टेटमेंट है, अ जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। जब भी जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में हमें यूज करना है तो उसको रिवर्स बायस करना है। दैट इज बिल्कुल ट्रू कि वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का कनेक्शन हमेशा रिवर्स बायस, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस्ड ही लगाया जाएगा। बैटरी या कोई भी लोड रेजिस्टेंस या कुछ भी होगा तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, ये जरूरी है। लोड रेजिस्टेंस हम लगाते थे इसके पैरेलल। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3 वोल्ट्स। जनरली 0.3 वोल्ट से 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड हम लोग पी एन जंक्शन के लेते हैं। पी एन जंक्शन डायोड अगर जर्मेनियम का हुआ तो 0.3 एंड सिलिकॉन का हुआ तो 0.7, तो हम लोग इसको मानेंगे कि 0.3 to 0.8 वोल्ट्स ये हमारा करेक्ट वाला स्टेटमेंट होता, बट यहाँ पर हमने ये गलत मानेंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट एंड बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो भी आपका ऑप्शन हो इसमें, ये वाला हमारा सही ऑप्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हमें दे रखा है एक्स, मास नंबर ए एंड जेड। इसके साथ हमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज, कुछ ना कुछ चीजें हमें साथ में इन्होंने दे करके रखी है। क्या चीजें हैं हम समझते हैं। हमें दे रखा है कि अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके इन द सीक्वेंस। डीके कैसा है, ए और जेड वाले के साथ। पहला डीके हमने बनाया बी और इसमें उन्होंने कर दिया जेड माइनस वन, यानी ऑब्वियसली बात है ऐसा कुछ कंपोनेंट निकला होगा जिसका यहाँ पर क्वांटिटी आना चाहिए नीचे, चार्ज वाला क्वांटिटी वन, तो ये बैलेंस होके जेड हो जाएगा। तो ऐसा किसका होता है, हम इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करें तो ऐसा होता है अभी तक बीटा प्लस, ना बीटा माइनस, ना अल्फा ना अल्फा, यानी हमें हमारा आंसर तो मिल गया बट हम इसे आगे भी क्रॉस चेक करेंगे। अब हमारे पास इस क्वांटिटी बी से सी बनाना है। सी का हमने दे रखा है जेड माइनस थ्री। दैट मीन्स हमें इसके साथ में कोई कंपोनेंट ऐसा निकालना है जहां पर होना चाहिए था टू, माइनस वन माइनस थ्री प्लस टू, बैलेंस होना चाहिए। तो ये टू किसका होता है, ऑब्वियस सी बात है ये अल्फा का ही होता है। अल्फा हमारे ऑप्शन में अभी तक के लिए सही है। एंड थर्ड बीटा माइनस अगर हम निकालें इसी में से तो हम रिवर्स चले, हमारे पास आएगा डी, साथ में हमने निकाला बीटा माइनस, दैट मीन्स ऊपर जीरो नीचे माइनस वन, नीचे माइनस वन, तो यहाँ कितना होना पड़ेगा जेड माइनस टू, और जेड माइनस टू ही दिया है बिल्कुल, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं। पहला आएगा बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, सेकेंड इज अल्फा पार्टिकल एंड थर्ड इज बीटा नेगेटिव पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ कितना है, 100 आवर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स कितना होगा। 150 आवर्स के बाद फ्रैक्शन ऑफ एक्टिविटी, ओरिजिनल एक्टिविटी कितना बचेगा, ये हमें चेक करना है कितना होगा। तो सिंपल सा हमारा बेसिक कैलकुलेशन क्या कहता है, हमारा बेसिक कैलकुलेशन कहता है कि फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करना है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब होता है लैम्डा टी इक्वल्स टू एल एन, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई का रेशियो हमारे पास रहेगा वही हमारा एक्टिविटी का रेशियो आएगा। एक्टिविटी का रेशियो मतलब लैम्डा इंटू एन, ये होता था, ये हमारी एक्टिविटी हम इससे डिनोट करते थे। तो रेशियो क्या होगा, ए वन ए टू इनिशियल एन एन लैम्डा एन नॉट फाइनल एन, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये हमारा रेशियो। हमें क्या पता करना है, एन नॉट अपॉन एन का वैल्यू इनडायरेक्ट वे में हमें पता करना है। तो यहाँ से हम निकालेंगे लैम्डा, कैसे पता करेंगे, हाफ लाइफ से। हाफ लाइफ कितना गिवन है, 0.693, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं एल एन टू। इसको हम क्या बोलेंगे, एल एन टू, जो फॉर्म उन्होंने हमें दिया है उस फॉर्म से इसी को हम क्या कहेंगे, एल एन टू। फिर से लिखता हूँ मैं, लैम्डा टी इक्वल्स टू एल एन एन नॉट अपॉन एन, एल एन टू अपॉन इनिशियल हमारा जो हाफ लाइफ दे रखा है टी हाफ इज 100, इनटू टाइम, टाइम दे रखा है हमें 150 इक्वल्स टू एल एन एन नॉट अपॉन एन। हमें इस एल एन को हटाना है, तो हमें क्या करेंगे, 150 बाय 100 कितना हो गया, 3 बाय 2,
थ्री बाई टू इज टू की पावर में आ जाएगा, एल एन टू टू दावर थ्री बाई टू इक्वल्स टू आया हमारे पास एल एन एन नॉट बाय एन, एल एन से एल एन एंटी लॉग लेकर के गया तो कितना हुआ टू टू दावर थ्री अपॉन टू इक्वल्स टू एन नॉट बाय एन। हमें याद रखना है इसका निकालना है रेसिप्रोकल वैल्यू, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 के बाद हमें चाहिए ना एन ऊपर आना चाहिए ना इसका रेसिप्रोकल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू इंटू टू इंटू टू टू का क्यूब अपॉन इसका वन बाई टू है तो रूट, तो कितना आएगा टू रूट टू इक्वल्स टू एन नॉट बाय एन एंड एन अपॉन एन नॉट इज वन बाय टू रूट टू। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स। मान लेते हैं हमारा न्यूक्लियस है ए, ये टूट रहा है बी प्लस बी में, इसका मास नंबर हमारे पास है 240, ये दोनों किसमें टूट रहे होंगे 120 एंड 120, ये हमारे पास इतना इन्होंने दिया है। फिर दिया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड, मतलब ए न्यूक्लियाई इज 7.6, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन्होंने क्या दे रखा है हमें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो फ्रेगमेंटेड है बाद वालों का दे रखा है 8.5 इसका भी और इसका भी। तो टोटल गेन हमें क्या निकालना है बाइंडिंग एनर्जी में कितना हुआ होगा फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हमारे पास 240 इंटू हर किसी का बाइंडिंग एनर्जी कितना 7.6, ये था इनिशियल इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी इज 120 इंटू 8.5, मतलब हम क्या कर सकते हैं अभी भी 120 दोनों मिला करके 120 into 8.5 plus 120 into 8.5 in all हम इसी को लिख सकते हैं 240 into 8.5, ये हो गया हमारा final। और हमें डेल्टा E एनर्जी कितना हमारे पास गेन बाइंडिंग एनर्जी का आ रहा होगा कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 240 into 8.5 minus 240 into 7.6, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल 240 कॉमन इतना आ गया 240 8.5 माइनस 7.6 यानी 240 इनटू 0. कितना आ रहा है 9, 0.9 इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 से तो गया 9, 24 9s है वो हमने पूछना चाह रहे हैं यानी 216, और यूनिट सभी की थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो यूनिट सभी की क्या आ जाएगी इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 216 के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और होल्स का नंबर एन टाइप में और पी टाइप में हमने इक्वल रखा है। एन एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हमने किसके अक्रॉस, दोनों पीएन जंक्शन के अक्रॉस, हमारे सेमीकंडक्टर के अक्रॉस, जंक्शन तो है ही नहीं सिर्फ सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। मान लेते हैं ये हमारा सेमीकंडक्टर एन टाइप वाला, ये हमारा सेमीकंडक्टर पी टाइप वाला, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने, इसमें जितने होल्स हैं इतने, सेम ही है हमारे पास दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हमारे पास सेम है, और इसे हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि कंपेयर द करंट्स इन देम, उनके अंदर करंट हमें कंपेयर करना है। करंट पहला ऑप्शन नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट विल फ्लो इन एन टाइप, ऑब्वियस सी बात है दोनों में करंट होगा इसलिए ऑप्शन वन तो गलत। करंट इन एन टाइप इज इक्वल्स टू करंट इन पी टाइप, कैसे निकालते हैं, करंट होता है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जिसका भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी भी मोबिलिटी ज्यादा आ जाए उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, मोबिलिटी ज्यादा आने की वजह से करंट ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है हमें पता है ई का इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है मोबिलिटी ऑफ होल्स से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट ज्यादा हमें मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा हमें मिलेगा, यानी एन टाइप में ज्यादा होना चाहिए। तो इक्वल नहीं हुआ, पी टाइप में ज्यादा नहीं हुआ, एन टाइप में ज्यादा हुआ, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, करंट इन एन टाइप इज ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। तो हमारा सिंपल सा था कंसेप्ट बेस्ड ऑन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, जिसका मोबिलिटी ज्यादा उसका ये वाला वैल्यू ज्यादा यानी करंट ज्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स, कोई एक सोर्स है वो हमें कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट करके दे रहा होगा,
इन रेडिएशन से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकल रही है ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. वेवलेंथ कितना गिवन है, गिवन क्वांटिटीज लिख लें 600 नैनोमीटर. व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 × 10⁻³ वॉट, और एच का वैल्यू हमें दे रखा है इतना. तो उन्होंने हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. सिंपल सा है, फॉर्मूला बेस्ड हम इसे बोल सकते हैं. पावर होता है एन पर यूनिट सेकेंड वाला एन है ये, एच सी बाय लैम्डा. पी क्या है, पावर. एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड. एच सी लैम्डा है वेवलेंथ. वैल्यूज पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो पी का जगह हम क्या रख देंगे, 3.3 × 10⁻³. ऐसा यूनिट में हम कन्वर्ट करते जाएं तो ये वॉट ही है. इक्वल्स टू एन हमें पता करना है. एच का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 6.6 × 10⁻³. सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जूल सेकेंड में आएगा. होल डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा कितना है हमारे पास 600 नैनोमीटर. इसे मिनट मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, 600 × 10⁻⁹ मीटर. सारी यूनिट्स हमारे पास कैंसिल, हमारे पास आएगा नंबर, सिर्फ यूनिट बचेगी पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड. सब कुछ इधर ले आते हैं, एन का वैल्यू हमारे पास आसानी से निकल जाएगा. क्या क्या दिख रहा है, कलर चेंज करके हमें लिखते हैं. 3.3 और 6.6 कैंसिल, बचेगा 2, दिख रहा है. सिमिलरली यहाँ से 2 × 3 ये हो गया 6, और यहाँ से बचा 100. सिर्फ 10 की पावर्स हमारे पास बची है. कितना बचा है, यहाँ से 10⁻³ इंटू यहाँ से नीचे से 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय यहाँ वाले 10⁻³ × 10⁸. कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10⁻½. एन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ से आएगा एन, एन का वैल्यू 10⁻½ अपॉन यहाँ से 10⁻⁶. −26 ऊपर गया, हमारे पास कितना आया 10⁻⁶, आना चाहिए था. कितना आ रहा है, हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या, −3 एज इट इज, −9 एज इट इज. यहाँ पर एक 100 हमने मिक्स कर दिया, ये हमने 100 यहाँ पर आना चाहिए था. तो आएगा 10⁻½ इंटू 100 अपॉन 10⁻⁶, ये आएगा 10⁻⁶. हमारा आंसर है 10⁻+16. क्यों हमने ऐसा देखा था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, 10⁻⁶ ऑप्शन में है. हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, 10⁻⁶. नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट है, मेटल पे कोई फोटोन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है वर्क फंक्शन वाला एनर्जी खर्च करके. वर्क फंक्शन हमें देखा है नेग्लिजिबल. मास एम इज द, इफ एम इज द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस, और उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें दे रखा है लैम्डा डी. डी ब्रोगली वेवलेंथ होता क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा डी, लिखा है हमने डी इक्वल्स टू एच अपॉन एम इंटू उसका जो वी था वो वी. इसी को हम कह सकते हैं एच अपॉन रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये दो रिलेशन हमें काम में आते हैं. फिर हम क्या बोलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है. तो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला इक्वेशन क्या कहता है, वो कहता है एच सी बाय लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन जो कि जीरो है प्लस काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेते हैं ये वाला रिलेशन यूज करके. तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, लैम्डा डी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ये काइनेटिक एनर्जी पहुंचा देते हैं इधर, वो पहुंचा देते हैं इधर. वैल्यू यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी का स्क्वायर. रिलेशन कैसे हैं, लैम्डा इक्वल्स टू हमें रिलेशन ज्यादातर है तो निकालते हैं लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा उधर, बाकी सारा टर्म इधर. एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल, ये वाला एच और ये वाला पावर गया. कितना बचा, ये लैम्डा उधर कर रहा हूं मैं, कितना आ जाएगा लैम्डा बची हुई टर्म्स ऊपर, 2m यहाँ वाला c लैम्डा d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h. ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, लैम्डा d का स्क्वायर हमारे पास है 2mc by h, 2mc by h, lambda d का स्क्वायर 2mc by h, lambda d का स्क्वायर. ये वाला ऑप्शन हमारा सही वाला ऑप्शन है, 2mc by h, lambda d का स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं. आप देख रहे हैं बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से भी हमारे हो जाएंगे. आखिरी मॉडर्न फिजिक्स का या सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन हम बोले तो
तो ये है हमारा लॉजिक गेट्स है जिसकी प्रिपरेशन हर कोई करता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक हम इसको मानते हैं। ये इमेज क्लियर नहीं, मैं आपके लिए रीराइट करता हूँ। इन्होंने हमें कुछ इनपुट सिग्नल्स दिए हैं, एक लॉजिक सर्किट दिया है और ऑप्शंस में आउटपुट सिग्नल्स, हमें आउटपुट सिग्नल के बारे में हमें पूछा है। तो हम पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट दिया क्या है हमारे पास है, एक एंड गेट। इस एंड गेट का सेकेंड इनपुट हमने कॉमन रखा है, किसी दूसरे में जा रहा है, इसमें जाएगा ये नैंड गेट, और इसका इनपुट ऐसा, और इन दोनों से जो हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं इन्हें हमने यूज किया है और गेट में। ये हमारा है, इन्होंने दे रखा है सिग्नल्स के नाम ए बी एंड सी, और ये वाला सिग्नल हो जाएगा वाई। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। दो तरीके से, या तो हम पूरा ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें और लॉजिकली हम इसके अकॉर्डिंग समझे, या फिर जो गिवन ऑप्शंस में वैल्यूज 0101 फॉर्म में पुट करके इसमें से क्रॉस चेक कर लें, ज्यादा जल्दी क्वेश्चन हो सकता है। इनपुट सिग्नल्स क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। हमारा जो ए का सिग्नल इन्होंने दे रखा है, इसको थोड़ा सा राइट में खिसका लेते हैं हम लोग इसकी बजाय यहाँ पर। ए का सिग्नल जो दे रखा है वो है 0 1 0 1 0 1 एंड 0। बी का सिग्नल जो इन्होंने दे रखा है वो क्या है हमारे पास, ये है 2 बार 0 फिर 2 बार 1 फिर लास्ट तक 0। एंड सी का सिग्नल जो हमारे पास दे रखा है यह है 2 बार 1, ऐसा ले लेते हैं 2 बार 1 2 बार 0 और लास्ट तक 1। ये हमारे पास सिग्नल इन्होंने दे रखे हैं। क्या क्या वैल्यूज है, वी कैन राइट इट हियर। ये है 0, ये वाला भी 0, ये वाला 1, 1 यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, ये 0, ये 1, ये 0, ऊपर वाले सारे 1 है तो ये 1 0 0 एक साथ लिख ले, ये 1, ये 0, ये 0 0 0 तीनों, ये 1 1 1 तीनों। पहला मैच करते हैं 0 0 1, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ से मैंने क्या दिया है 0 दिया है, यहाँ से मैंने क्या दिया है 0 दिया है, यहाँ से क्या दिया है 1 दिया है। एंड गेट में दोनों 0 0, बाहर आता है 0। नैंड गेट में 0 1, अगर एंड होता तो बाहर आता 0, नैंड है तो बाहर आया 1। और गेट में दोनों में से कोई भी एक 0 1 तो ये हो गया 1। तो पहले वाले का आउटपुट हमारा 1 होना चाहिए था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 वाला आउटपुट हमारे पास कौन सा है, थर्ड और फोर्थ। ये अगर आपको लाइन नहीं दिख रहा है तो मैं ऑप्शंस भी आपके लिए बना देता हूँ। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है, पहला वाला सारे 0 0 वोल्ट्स, ऑप्शन पहला। दूसरा वाला है 0, फिर हमारे पास है 2 बार 1, यहाँ तक 2 बार 1, और फिर आखिरी वाला 1 बार 1। ये है ये 5 और ये 0 वोल्ट्स। एंड ऑप्शन सी सारे 1 5 वोल्ट्स, ये ऐसा है सारे 1। एंड ऑप्शन फोर्थ ये 1 फिर 2 0 एंड फिर 3 बार 1 के बाद फिर 0, ये 0 और ये 5। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला वाला कैसा आया 1, ये 1 है, ये 1 है, ये दोनों हमारे लिए एलिमिनेट हो गए, 0 0 वाले हैं, ये सारे 0 है, यानी कि ये 5 वाला लाइन यहाँ पर। अगले वाले पे आते हैं 1 0 1, ये क्या होगा, कलर चेंज करके लिखें 1 0 1, ये है 1, ये है 0, ये है 1, 1 और 0 अगेन, एंड गेट 0, 0 और 1 0 देता तो अगेन ये 1, हमारा सेम 0 1 से 1 आना चाहिए, अगेन सेकेंड भी 1, यानी ये ऑप्शन भी गलत, ये सही। तो हमारा इस वाले ऑप्शन की ओर हम जाएंगे क्रॉस चेक करने के लिए। हम बाकी भी कोई एक रैंडमली चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं हम सबसे लास्ट वाला चेक करते हैं 0 0 1, ये तो यही है 0 0 1, 1 0 1 ये भी यही है 1 0 1, ये भी 0 0 1, 1 1 0 हम चेक कर लेते हैं, ये वाला सिग्नल इसको चेक कर लेते हैं 1 1 और 0 क्या होगा 1 1, ये 1 होता है, एंड गेट दोनों ट्रू तो ट्रू, 1 0 तो ये नैंड है, अगर एंड होता तो 0 अदरवाइज 1, और ये दोनों 1 1 तो ये अगेन 1, तो अगेन 1, सब में 1 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है, ये वाला ऑल 1 ऑप्शन वाला करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जाएंगे तो ऑप्शन 3 इस इमेज में दिख रहा है। तो ये इतने क्वेश्चन हमें सेमी कंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स से अभी तक आए गए हैं। यहाँ पर बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अपने अपने आंसर्स की से मैच कीजिए, कमेंट्स में जरूर लिख करके बताइए कि किसके आंसर्स कितने मैच हुए, कौन से में कहाँ कहाँ डाउट है, क्या क्या चीजें हैं, हम आपसे जरूर हमारी चीजें शेयर करेंगे। बहुत जल्दी ही आपको पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बाकी पेपर भी मैच कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम, बड़ा सिंपल पेपर है, तीनों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर, बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर आया है।
उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आए, और इसी के साथ अगले सॉल्यूशन की ओर आप लोग देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।